मऊ से बड़ी खबर। हलदलपुर थाना क्षेत्र के ठैचा चट्टी पर उस समय सनसनी मच गई जिस समय एक सराफा व्यापारी से तीन बदमाशों ने असलहे के बल पर लूट का प्रयास किया, जिसके बाद देख सकते हैं सराफा व्यापारी जो अंजलि ज्वेलर्स बर्तन स्टोर जो रतनपुरा ठैचा चट्टी पर। सुनिए क्या। सुनील कुमार वर्मा, ठैचा चट्टी। कहाँ के रहने वाले हैं? पाली के। अच्छा, क्या हुई थी घटना रात को? शाम को हम दुकान शाम को बंद करके घर जा रहे थे और रास्ते में दो लोगों ने हमको रास्ते में रोक लिया। उसके बाद एक आदमी पीछे से गाड़ी से आया, उन्होंने हमको चेक किया और असलहा दिखाया। उसके बाद चेक करने के बाद हमारे पास पैसा रुपये कुछ नहीं था साहब। उसके बाद हमारी गाड़ी की चाबी निकाल ले और मेरी दुकान की चाबी लेकर उसके बाद हमको। किस चीज़ की दुकान है आपकी? मेरे बर्तन की दुकान है और सोने चांदी की दुकान है। अच्छा, तो क्या हुआ उसके बाद जा रहे? उसके बाद उन्होंने उनको खेत में ढकेल दिया है। ढकेलने के बाद मैंने उनसे गुजारिश की कि मेरी दुकान। अच्छा, कितने लोग थे वो? तीन लोग थे। तीन लोग थे और आपकी बाइक को रोक दी? बाइक रोक लिए। उसके बाद हमने कहा कि भाई दुकान की चाबी दे दीजिए गाड़ी की। उन्होंने कहा कि नहीं, आकर ले जाइए। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर देते हैं बिकती तो ले लेता हूँ, लेकिन मैं आकर पास पर नहीं लूँगा। फिर उन लोगों ने हमने शोर मचाना शुरू कर दिया, तो उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया। उससे बाद हम फायरिंग करना शुरू कर दिए। फायरिंग करना, उसके बाद हम भागने लगे। फायरिंग कर आवाज़ सुनकर कुछ लिए थे हम कुछ नहीं लिए थे सामान। अच्छा, वो जो फायरिंग की वो असलाह लिए थे? असलाह लिए थे। तभी ना फायरिंग। तो कितना राउंड फायरिंग की? दो राउंड फायरिंग हुआ। दो। उसके बाद पूछना पुलिस को, तो पुलिस आई वहाँ पर घटनास्थल पर गई और सब देखा सुना। उन्होंने कहा कि फिर सुबह आके थाने में भेंट करिए। मैंने थाने में गया, वहाँ पर तहरीर जो होता है प्रतिक्रिया मैंने लिख पढ़ कर दे दिया हूँ। अच्छा, थाने पर तहरीर दे दिए? दे दिया हूँ। यानी असाले से फायरिंग करते हुए दो राउंड निकल गए? तीन लोग थे। तीन लोग थे। कितने राउंड फायरिंग किए? दो राउंड। दो राउंड।